हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपका भी फैन चल रहा है धीमा, तो उसे तेज़ करने के लिए आज हम बताने वाले हैं कौन सा कैपेसिटर लगाएं जिससे कि आपका फ़ैन हो जाएगा तेज़ और फैन भी आपका जलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताने वाले हैं कौन सा कैपेसिटर यूज करें, किस कंपनी का यूज करें, सब कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो के जरिए। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आप देख पा रहे हैं ये फ़ैन है जो कि इस प्रकार से बहुत ही स्लो चल रहा है, इसका कैपेसिटर हो गया चेंज। तो इसमें हमें कैपेसिटर करना है, दूसरा लगाना है। तो कितने का लगेगा सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के जरिए। तो आपको पता नहीं होता है बहुत से हमारे भाइयों को जो कि कैपेसिटर यानी कंडेंसर इसका जो ख़राब हो जाता है, तो वो मार्केट में जाते हैं और लेके आ जाते हैं, तो बराबर का नहीं होता है। तो कभी आपका फ़ैन धीमा चलता है, कभी आपका फ़ैन उतना ही चलता है, कभी आपका फ़ैन बहुत ही तेज़ चलने लगता है जिससे कि मोटर जल जाती है। तो कौन सा कंडेंसर लगाएंगे वो हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो आइए आपको हम बताते हैं इसमें कौन सा कैपेसिटर लगेगा। दोस्तों, मैंने एग्जांपल के लिए इसमें तीन कैपेसिटर लिए हुए हैं। एक 2.5 का है, एक 4 का है, एक 3.15 का है। तो इसमें जो है, तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा छत वाले पंखे में लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो जनरली आपके घर में छत वाले पंखे होते हैं, उस जो आजकल कंपनी मेड आ रहे हैं 50 वाटेज के, उसमें आपका जो है कोई कंपनी 1.85 का लगा के दे रही है, तो कोई कंपनी 2 MFD का दे रही है, तो कोई कंपनी आपको 2.25, कोई कंपनी 2.5 का दे रही है। तो इस तरीके से इसमें कैपेसिटर मिलते हैं आपको। तो आपको कौन सा लगाना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं, सीलिंग फ़ैन आपको छत वाला पंखा होता है उसमें मैक्सिमम 2.5 से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। और ये 3.15 का जो ओल्ड मॉडल के पंखे आते हैं जो बहुत भारी भारी हुआ करते थे पहले, उसमें लगता था ये 3.15। ये 4 MFD का कंडेंसर होता है, 4 UF का, 4 UF का। ये आपका जनरली फर्राटा वाले फ़ैन जो होते हैं या फिर हमारे जो PVC कूलर आते हैं किट वाली मोटर, उनमें लगता है। तो मैं आपको पर्सनली बताऊं तो ये आप जो है हैवेल्स या फिर GC कंपनी का लगाइए, बहुत ही बेहतर चलता है। इसमें लोग अधिकतर गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि उसमें देखेंगे ऐसे 2.5 लगा हुआ है, तो लोग ये सोचते हैं 2.5 लगा है, धीमा चल रहा है, तो हमें इसमें 3.15 का लगा देना चाहिए। पर ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जो 2.5 का कैपेसिटर ये है दोस्तों, ये आपका ऐसे कि वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो कम होकर या 1 बचती है या फिर 0 हो जाती है या 1.5 बचती है, तब आपका पंखा धीमे चलता है। तो लोग यही सोचते हैं कि ये कैपेसिटर जो है बदल दें और मतलब बड़ा लगा दें, 3 का लगा दें या 3.15 का लगा दें, 3.15 का, तो तेज़ हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 2.5 का, आपको 2.5 का ही लगाना है। बस आपको पुराना वाला हटा देना, नया लगा देना है। और दोस्तों, सीलिंग फैन में 2.5 का ही है आपको। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो देखने पर कुछ जानकारी हासिल हो होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें मैंने हटा दिया है कैपेसिटर पुराना वाला और नया लगा दिया 2.5, और इसकी स्पीड अब आप देख पा रहे हैं कितनी बेहतरीन तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।